अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 हम पढ़े थे। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है, न्यूरॉन्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया कि उसकी तीन टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। तो उनके यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहली है सेंसरी न्यूरोन। सेंसरी न्यूरोन आपको पता है कि इस न्यूरोन का काम क्या है, कि इसने रिसेप्टर से मैसेज लेना है। जो भी पेन रिसेप्टर है, प्रेशर का रिसेप्टर है, टेम्परेचर रिसेप्टर है, जो हमारी फिंगर्स में जैसे प्रेजेंट है या बाकी बॉडी ऑर्गन्स में, तो रिसेप्टर से मैसेज लेके इसने दे देना है कोऑर्डिनेटर को, मतलब ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। इस वजह से जो सेंसरी न्यूरॉन है इसमें एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होती है और एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है। क्योंकि एक रिसेप्टर से एट अ टाइम मैसेज दे रही है ना, डिफरेंट रिसेप्टर्स होंगे तो उनसे तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो न्यूरॉन्स आएंगी। सेंसरी न्यूरॉन हर रिसेप्टर की होगी, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसने एक ही रिसेप्टर से मैसेज लेके जस्ट ब्रेन को देना है, तो इस वजह से इसमें एक ही डेंड्राइट होगी जो मैसेज लेके सेल बॉडी को देगी और फिर सेल बॉडी से मैसेज एक्सॉन में जाएगा और फिर आगे ब्रेन की डेंड्राइट्स में जाएगा, फिर उनकी सेल बॉडी में जाएगा और इस तरह से मैसेज ट्रांसफर होगा। तो इस वजह से सेंसरी न्यूरॉन में एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। अगली है हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेटर्स में प्रेजेंट होती हैं। कोऑर्डिनेटर हमारे पास ब्रेन और या फिर स्पाइनल कॉर्ड। अब इंटर न्यूरॉन है तो उससे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं। सबसे मैसेज लेना है तो इस वजह से सबसे रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करनी है, तो इस वजह से क्या होता है कि इंटर न्यूरॉन में डेंड्राइट भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक्सॉन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स। क्यों? क्योंकि इंटर न्यूरॉन्स ने मैसेज एट अ टाइम बहुत सारे रिसेप्टर से, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर से मैसेज देना है। ये एक पेन के रिसेप्टर की आएगी डेंड्राइट, एक टच के रिसेप्टर की आ रही है, प्रेशर के रिसेप्टर की आ रही है, टेम्परेचर के रिसेप्टर की आ रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट इससे जाहिर है न्यूरॉन्स को रिसीव करना है। इस वजह से इसमें डेंड्राइट्स भी ज्यादा है और एक्सॉन्स भी ज्यादा होंगे। उसके बाद मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का चूंकि काम ये है कि इसने ब्रेन से मैसेज लेना है, मतलब कोऑर्डिनेटर से इसने मैसेज लेना है और जाके दे देना है इफेक्टर को जिसने रिस्पांस शो करना है, तो इस वजह से मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर से मैसेज दे रही है, इस वजह से इसके पास डेंड्राइट्स क्या होंगे ज्यादा और एक्सॉन, क्योंकि इसने अब एक इफेक्टर के ऊपर लेके जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो एक्सॉन एक होगी और जो डेंड्राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। तो इस तरह से ये इनके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, इंटर न्यूरॉन मैनी एक्सॉन्स मैनी डेंड्राइट्स, एंड मोटर न्यूरॉन में डेंड्राइट मैनी, क्योंकि वो मोटर इंटर से आ रही है और साथ एक्सॉन वन। तो नेक्स्ट नर्व है कि हम कहते हैं सेंसरी नर्व, इंटर नर्व, मोटर नर्व। ये क्या है? बेसिकली एक नर्व होती क्या है, इट्स अ यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स। जब बहुत सारे एक्सॉन्स मिले तो वो बना देते हैं नर्व। अब एक्सॉन आपको पता है, हमने जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था जो एक्सॉन है, एक्सॉन को एक माइलिनेटेड शीथ ने, नॉन माइलिनेटेड शीथ ने कवर किया होता है, फैटी लेयर ने कवर किया होता है, जो कि एज एन इंसुलेशन एक्ट करती है, इंसुलेटिंग लेयर एक्ट करती है। तो एक्सॉन बहुत सारी जब मिले तो वो एक नर्व बनाती है। इसी तरह से सेंसरी नर्व है, तो सेंसरी नर्व में हमारे पास बहुत सारे सेंसरी एक्सॉन्स होंगे। मोटर नर्व है, मोटर नर्व में हमारे पास बहुत सारे मोटर एक्सॉन्स मिलकर बनी है। और इस तरह से इंटर नर्व है, तो क्योंकि इसमें सेंसरी भी आते हैं, मोटर भी आते हैं, तो इस वजह से वो बहुत सारे
मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व से मिलकर बनेगी। तो ये था हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी नर्व्स, मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व्स, इंटर न्यूरॉन, इंटर नर्व्स। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से अपना रिस्पॉन्स शो करती है और उसके क्या फंक्शंस हैं। आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा ये सब। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।